इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज आप जानेंगे गोंडल रियासत की कहानी। 1947 में भारत में करीब 300 रियासतें थीं, पर उनमें से 200 रियासतें गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ हुआ करती थी। आज हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हम एक बड़ा मोनोलिथ इमेजिन करते हैं, बट सच बात तो ये है कि इतिहास में जो काठियावाड़ है, जो काठियावाड़ सौराष्ट्र पेनिनसुला है, और गुजरात जो है, ये जो ईस्टर्न रीजन है, सूरत अहमदाबाद, उसका इतिहास काफ़ी डिस्टिंक्ट रहा है। काठियावाड़ अगर आप देखें या सौराष्ट्र देखें तो उसकी जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, इतने जंगल नहीं है जितने गुजरात, जिसे हम ईस्टर्न रीजन कहते हैं, वहाँ पर है। और इतिहास में हमेशा से ही वो छोटे छोटे राज्यों में और प्रिंसिपैलिटीज़ में बटा हुआ रहा, और इसीलिए उसका नाम सौराष्ट्र पड़ा, लैंड ऑफ द 100 किंगडम्स। सौराष्ट्र के रियासतों में से एक रियासत जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती है वो है गोंडल, जो राजकोट के पास है। और इसका कारण है उसके प्रोग्रेसिव रूलर महाराजा भागवत सिंह जी। हम जब भारत के राजाओं के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की, या मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडेयार की, बट महाराजा भागवत सिंह जी का जो कार्य है और जो योगदान है, जो उन्होंने एक छोटी सी रियासत गोंडल में किया, वो उस समय गोंडल एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ब्रिटिश इंडिया है उससे भी एक मॉडर्न सिस्टम हुआ करता था, और पूरे देश भर में एक आइडियल रियासत था। गोंडल का इतिहास समझने के लिए हमें मध्ययुगीन भारत में जाना पड़ेगा। उस समय जैसे मैंने पहले कहा कि सौराष्ट्र में छोटे बड़े राजा हुआ करते थे, और अलग अलग राजपूत क्लैंस थे, काठी राजा थे, जो पठान रूलर्स थे वो नवाब्स थे, और वो मुगल साम्राज्य को ट्रिब्यूट दिया करते थे। सौराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है और कच्छ और जो वो सारा इलाका है वो जाडेजा राजपूतों के अधीन हुआ करता था। और उस समय कैसा था, इतनी सारी ज़मीन थी, इतने सेटलमेंट्स नहीं थे, फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं थी, तो जो राजा के जो छोटे बेटे थे वो राज्य से बाहर जाकर अपनी रियासत बनाया करते थे, तो फिर बनते 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 अलग ऐसे राज्य बनना शुरू हो गया, जैसे कि कच्छ है उसको टूट के मोरवी बन गया, या फिर जामनगर, या जो जाडेजा की जो प्रमुख रियासत थी सौराष्ट्र में वो थी जामनगर। जामनगर टूटकर उसमें से राजकोट अलग हुआ, फिर बाद में राजकोट टूटकर गोंडल बना। तो अराउंड 1670s में कुंभोजी करके एक राजपूत योद्धा थे जो राजकोट राज परिवार से थे, और उन्होंने 1670s में अपना एक स्वतंत्र राज्य तो नहीं बोल सकते, बट एक अपना एक डोमेन वहाँ पर बनाया। उस समय जो यहाँ के जो चीफ थे, या ये जो जाडेजा शासक थे, वो राजा नहीं थे, वो ठाकुर थे, और जो जूनागढ़ के नवाब को ट्रिब्यूट दिया करते थे, फिर बाद में मराठे आए उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो इस तरह से जो गोंडल की शुरुआत है वो एक एक ठाकुरशिप हम बोल सकते हैं, या ठाकुरायत, वैसे उनकी शुरुआत हुई। बाद में अराउंड 1750s के बाद ये जो पूरा जो सौराष्ट्र का जो इलाका है वो मराठों के अधीन आया, बड़ौदा के गायकवाड़ों के अधीन आया। उनके झगड़े हुआ करते थे जूनागढ़ के साथ या कुछ बाकी ताकतों के साथ, बट इन द एंड जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे उनको इंटरेस्ट सिर्फ ट्रिब्यूट में था। अगर आप बड़ौदा आपका पेमेंट भेज दोगे वो आपको अकेला छोड़ देंगे। तो गोंडल था, या भावनगर, जामनगर, या जो बाकी जो रियासतें थी वो बड़ौदा के गायकवाड़ों को ट्रिब्यूट दिया करती थी।
1807 में एक ट्रीटी हुई बड़ौदा के गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद ये जो पूरा जो सौराष्ट्र का जो इलाका है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। अब उससे पहले क्या होता था कि ये राजा लोग आपस में लड़ते थे, अपना राज्य बढ़ाते थे, छोटे भाई अपना राज्य तोड़ देते थे। तो एक जैसे हम कह सकते हैं फ्लक्स में, पूरा जो इलाका था वो एक फ्लक्स में था। पर जब ब्रिटिश आए 1807 में एक सेटलमेंट हुआ वॉकर सेटलमेंट करके, कि जहाँ पर आपकी बाउंड्री है वहीं पर अंग्रेज़ों ने सॉलिडिफाई कर दी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक जैसे लाइक अमीबा होता है, लाइक टूटना बिगड़ना, वो सडनली स्टॉप हो गया। और ये जो सौराष्ट्र इलाका है वो उसी में 200 प्रिंसिपैलिटीज़ बन गई। और एक इसका ये भी कारण था कि एक अंग्रेज़ों की एक सोची समझी एक प्लान भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बड़ी रियासतें हो। उनका ये आइडिया था, जो बॉम्बे गवर्नमेंट है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी ये आइडिया था जितनी छोटी रियासतें हो वो ब्रिटिश पावर को चैलेंज नहीं कर सकती। तो इस तरह से सौराष्ट्र में एक फ्रेगमेंटेड सेटअप बन गया। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी रियासतें, आई मीन लिटरली अगर आपको अहमदाबाद से राजकोट जाना है तो आपको 50 ज्यूरिसडिक्शंस क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो उसकी वजह से ये एरिया भी एक काफ़ी बैकवर्ड एरिया बना रहा। प्लस यहाँ पर इतनी फर्टाइल ज़मीन भी नहीं थी। अगर आप देखें तो एंशियंट टाइम से गुजरात जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का केंद्र बना है। यहाँ के जो व्यापारी है वो इजिप्ट से लेकर ईस्ट अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार कर रहे थे। और इस जनरल पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के साथ एक सोशल बैकवर्डनेस भी थी, जो डाकुओं का बहुत प्रकोप था, जो लिटरेसी थी वो बहुत कम थी। इनफैक्ट यू नो भारत में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो सौराष्ट्र में उस समय बहुत ही ज़्यादा थी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में महाराजा भगवत सिंह जी का 1865 में गोंडल में जन्म हुआ। उनके पिताजी संग्राम सिंह जी उसके 4 ही साल बाद चल बसे। और क्योंकि महाराजा भगवत सिंह जी छोटी उम्र के थे, तो एक यू नो एक अंग्रेज़ ऑफिसर को स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। जैसे महाराजा भगवत सिंह जी बड़े होने लगे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जो राजकोट का जो राजकुमार कॉलेज है वहाँ पर उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा। और वो ब्राइट स्टूडेंट थे, वो अंग्रेज़ी और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करने लगे। एक उनके जीवन से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और जो ज़्यादा किताबों में एक्सप्लोर नहीं हुई है, कि अगर आप एक सोशल कॉन्टेक्स्ट देखे उस समय का, तो जो सौराष्ट्र रीजन है उस समय पर जो स्वामी नारायण मूवमेंट है वो बहुत प्रभावशाली था उस समय। अभी अनफॉर्चुनेटली आज हम स्वामी नारायण मूवमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ स्वामी नारायण मंदिर और उनकी खूबसूरती की बात करते हैं, बट उस समय में 19वीं शताब्दी है, उस समय स्वामीनारायण संप्रदाय एक बहुत ही पावरफुल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसका जिस जो कोशिश कर रहा था कि ये जो बैकवर्ड सौराष्ट्र है उसमें जो जो कुप्रथाएं हैं उनको ख़त्म किया जा सके और लोगों को एक जस्ट, प्रोग्रेसिव, इक्विटेबल सोसाइटी वहाँ पर बनाई जा सके। जो महाराजा भगवत सिंह जी की जो माँ थी रानी मोंगीबा, वो स्वामीनारायण संप्रदाय की फॉलोअर थी, और उन्हीं से ही जिस भगवत सिंह जी ने ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ग्रहण किए। इनफैक्ट पहली स्कूल है लड़कियों की, मोंगीबा स्कूल, वो उनके माँ ने ही गोंडल में बनवाई थी। बाद में जैसे ही महाराजा भागवत सिंह जी ने अपनी शिक्षा कंप्लीट की और वो 18 साल के हुए, तो अराउंड 1884 में उन्होंने गोंडल की राजगद्दी संभाली। तब जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि ये जो राजा है वो दुनिया देखे, तो तब अंग्रेज़ उन्हें एक वर्ल्ड टूर पर ले गए।
और वो यूरोप घूमे, उन्होंने जो प्रोग्रेस हुआ है यूरोप में, जो इन्वेंशंस हुए थे वो देखा, और उसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो उन्होंने बाद में अपनी डायरी में भी लिखा। जब वो लंदन गए तब उन्होंने जो वहाँ का जो सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल है, उस समय का सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल था लंदन का, तो वो देखने गए और उसका उन पर बहुत प्रभाव हुआ। और जब वो देख रहे थे कि कैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशंस, और वो इसे परस्यू करना चाहते हैं। उस समय एक राजा एक मेडिकल स्टूडेंट बने या डॉक्टर बने एक अनइमेजिनेबल चीज़ थी, पर उन्होंने निर्णय लिया कि हमें एक डॉक्टर बनना है। और कुछ साल बाद उन्होंने जो पारसी दीवान थे उनके हाथ में अपना राज्य सौंपा, और वो इंग्लैंड चले गए, और फिर वहाँ पर बाद में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा है स्कॉटलैंड में, वहाँ से अपनी एमडी की पढ़ाई कंप्लीट की। उनकी जो पीएचडी थी वो थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ आर्यन मेडिकल साइंस, जो आयुर्वेद और जो ये जो इंडियन जो मेडिकल सिस्टम है उस पर थी। जब वो इंग्लैंड में थे तो उनकी पहचान दादा भाई नौरोजी और वहाँ के जो जितने भी प्रोग्रेसिव ये जो इंडियन लीडर्स थे उनके साथ भी हुई। और 1895 में जब वो डॉक्टर बने और फिर इंडिया लौटे, उसके दो ही साल बाद एक बहुत भयानक फैमिन या अकाल सौराष्ट्र में पड़ा, और उन्होंने गोंडल ने इतना अच्छा रिलीफ वर्क किया, और उन्होंने इतना ये जो अकाल वाले पीड़ितों को मदद करने के लिए इतना काम किया कि बॉम्बे का टाइम्स ऑफ इंडिया, मद्रास का हिंदू और कैलकटा का अमृत बाज़ार पत्रिका, इन तीन प्रमुख न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि जो गोंडल के जो राजा ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद यू नो ये अकाल के साथ ही उनको रियलाइज़ हुआ कि अपने स्टेट को मॉडर्नाइज करना, और जो उस समय कैसा था कि मोस्ट जो ज़्यादातर गोंडल के लोग थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और जो इतना वो ज़मीन इतनी अच्छी नहीं थी, वो इतना लुक्रेटिव बिजनेस नहीं था, तो उनको लगा कि हमें ट्रेड और कॉमर्स, अगर लोगों को फाइनेंशियली इम्प्रूव करना है तो हमें ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उन्होंने पोरबंदर से गोंडल तक एक रेल लाइन शुरू की। बाद में उनके जो बाकी जो धीरे धीरे फिर उन्होंने जो रेल का नेटवर्क बढ़ाया। एक चीज़ जो गोंडल के एडवांटेज में थी कि वो सौराष्ट्र के बिल्कुल बीचों बीच था, तो जो सारे जो व्यापारी मार्ग थे, जो रोड इंटरसेक्शंस थे या रेलवेज के इंटरसेक्शंस थे, वो गोंडल से ही गुजरते थे। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि ऑक्ट्रॉय और जो टोल टैक्स था उसे भी अबॉलिश कर दिया, तो जिसकी वजह से बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर व्यापारी आके बसने लगे। यहाँ पे एक बिकॉज वो ऑलमोस्ट लाइक जैसे अभी हम बोलते हैं टैक्स फ्री स्टेट या टैक्स हेवन, तो उसकी वजह से ये टैक्स बेनिफिट्स की वजह से उन काफ़ी लोगों ने गोंडल में इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ों की शुरू आकर सेटअप करना शुरुआत किया। और जो सरप्लस पैसा था गोंडल का, उन्होंने बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जैसे हम बोलते हैं ना सॉवरेन फंड, जो दुबई या अरब कंट्रीज़ या काफ़ी देशों के होते हैं, तो वैसे एक सॉवरेन फंड बनाया, और इस सॉवरेन फंड में इतने पैसे आ गए कि गोंडल वॉज ऑलमोस्ट अ टैक्स फ्री स्टेट, कि इतना अमीर था राज कि जैसे हम आज सुनते हैं अरब देशों के बारे में कि वहाँ के जो गोंडल के जो रहवासी थे वो कमाते थे पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनके पास सारे बेनिफिट्स थे। ये थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। पर महाराजा भागवत सिंह को लगा कि अगर मेरी प्रजा को पढ़ना है ज़िंदगी में आगे, तो शिक्षण बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया। गोंडल की ज़्यादातर जनता थी वो किसान थे, और उनके लिए उन्होंने एक सिलेबस तैयार किया और एक टेक्स्ट बुक प्रकाशित किया जिसे कहा जाता था आदर्श शिक्षण, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं था, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज था, जिसमें खेती कैसे करनी चाहिए या मैनुअल लेबर को आप नीचे नहीं देख सकते, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम उसके लिए बढ़ाया। और फिर धीरे धीरे हाई स्कूल वहाँ गोंडल में बनने लगे,
टेक्निकल एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू की ताकि लोग बम्बई जाकर अपनी शिक्षा ले सके। लड़कों के शिक्षा के साथ ही उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया जो सौराष्ट्र में उस टाइम अनइमेजिनेबल था, वो है लड़कियों का शिक्षण। उनकी जो पत्नी थी नंद कुंवरबा, वो पहली राजपूत औरत थी जिन्होंने पर्दा छोड़कर यूरोप का प्रवास किया था, और उसके बाद उन्होंने अपना एक किताब भी लिखी जो उन्होंने यूरोप में लिखा। तो और फिर उनकी जो बेटी थी लीला बा, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। तो महाराजा ने गोंडल में नंद कुंवरबा गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया। फिर 1917 में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कों का एजुकेशन कंपलसरी नहीं था, पर अगर बट पर लड़कियों का एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी किया, बिकॉज वो चाहते थे कि लड़कियां सीखें और ओवरऑल प्रगति हो। उसके साथ ही उन्होंने जो नंद कुंवरबा जनाना हॉस्पिटल का निर्माण किया। एक बात यह है कि उस समय जो विमेंस हेल्थ है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। अब क्या होता था, जो डॉक्टर्स होते थे वो पुरुष होते थे, और जो महिलाएं हैं क्योंकि वो पर्दे में रहती थी तो उनके जो पति हैं वो उन्हें एक्सेस नहीं देते थे डॉक्टर से मिलने के लिए। तो उन्होंने जनाना हॉस्पिटल का निर्माण किया, जहाँ पर जो लेडी डॉक्टर्स मुंबई से जो लेडी डॉक्टर्स और लेडी नर्सेज बुला के, ताकि जो औरतें हैं गोंडल की उनको हेल्थ केयर का एक्सेस मिल सके। उसके साथ ही महाराजा ने भारत की सबसे पहली गुजराती डिक्शनरी को कंपाइल किया, जिसे भागवदो मंडल कहा जाता है, और ये जो गुजराती भाषा की पहली जो डिक्शनरी थी। गुजरात के या भारत के बाकी महाराजाओं से अलग, जो महाराजा भगवत सिंह जी थे गोंडल के, वो बहुत ही फिस्कली प्रूडेंट थे। उन्होंने बड़े महल नहीं बनाए, उन्होंने हीरे जवाहरात नहीं खरीदे। इनफैक्ट जो उनका जो आज जो गोंडल का जो हुजूर पैलेस है, वो एक्चुअली प्रिंसिपल का घर हुआ करता था, और उनका जो पुराना दरबार गढ़ है वो उसी में रहते थे। महाराजा भागवत सिंह जी का निधन 1944 में हुआ, और उसके बाद आए उनके बेटे महाराजा भोजराज सिंह जी। महाराजा भोजराज सिंह जी का कार्यकाल ज़्यादा साल नहीं था। 1947 में गोंडल रियासत है वो जो सौराष्ट्र यूनियन है उसमें विलीन हो गई, और फिर बाद में सौराष्ट्र आगे चल के गुजरात राज्य बन गया। अनफॉर्चुनेटली भारत में विलीन होने के बाद जो काफ़ी जो प्रोग्रेसिव मेजर्स थे, जैसे कि कंपलसरी गर्ल्स एजुकेशन, तो वो ज़रा बैकफुट पे चला गया। आई मीन इनफैक्ट गोंडल के ऐसे गांव हैं जो जहाँ पर ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी कि जो दादी है वो उस समय महाराजा के कार्यकाल में वो पढ़ी लिखी होने के कारण वो शिक्षित थी, और जो पोती है वो बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी शिक्षा नहीं हो पाई। तो आज जो गोंडल है वो गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। वहाँ पर जो परिवार है गोंडल परिवार, उनके महल है, उनका जो कार कलेक्शन है उसे देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। थैंकफुली जो महाराजा भागवत सिंह जी हैं उनके जीवन काल पर अभी देश भर में रिसर्च हो रहा है, और लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। तो आशा करते हैं कि उनके जीवन के और पहलू भी लोगों के सामने आएंगे। तो ये थी कहानी गोंडल रियासत की।